फौजी भी मारे, पुलिस आले भी मारे, जे गाड़ी दिल्ली में किल मामे किलना पर को चलेंगे। और राजेश टिकैत को भी दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, जो कि हमारे किसान भाइयों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, और तो क्या हमारे किसान भाइयों के लिए उन्होंने अपनी सारे बने। राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई, आज हैं हम लोग भाई बद्दोवाला टोल के ऊपर, और यहाँ पर भाई किसान आंदोलन चल रहा है, तो धरने पे बैठे हैं आसपास के गांव के लोग जितने भी, और साथ में महिला शक्ति भी भरपूर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में महिला शक्ति की भागीदारी है इस जो किसान आंदोलन पिछले 75-76 दिन से चल रहा है। तो मेरे साथ एक गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया, इन्होंने भाई स्टेज पे एक बहुत अच्छी कविता कही, वह कविता दोबारा से सुनाएंगे और पूछेंगे। भाई के नाम गुड़िया? कनकन मोर। कौन से गाँव से? इस्माइलपुर। इस्माइलपुर है, तो आपने वो जो कविता कही थी वह दोबारा सुनाइए एक बार। सबसे पहले तो मैं यहाँ चाचा ताऊओं को दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, और राजेश टिकैत को भी दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, जो कि हमारे किसान भाइयों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, और तो क्या हमारे किसान भाइयों के लिए उन्होंने अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। फौजी भी मारे, पुलिस आले भी मारे, जे गाड़ी दिल्ली में किल मामे किलना पर को चलेंगे, अपने भाइयों ने जेल में लियावेंगे, इस जेल वाली गाड़ी में मोदी और खट्टर ने चढ़ा दियो, और दो दुष्यंत ने बिठा दियो, इन्ना इंडिया तक दूर भजा दियो, कनेक्टर ड्राइवर अंबानी और अंडानी ने बना दियो, दे जे ना जावे इन्ना काले झंडे दिखा दियो, इन्ना देखा बड़ा समुन्द्र में कुदा दियो। अच्छा, और ये कविता करते सीखी थाने? मेरी मम्मी ने लिखा है। अच्छा, मम्मी ने लिखी थी। कौन सी क्लास में पढ़ा है? सेवंथ। और कितने दिन तक हो रहा धरना पे? हर रोज आते हैं। हर रोज आओ। बहुत बार पहले भी कविता और भाषण दिए हुए हैं। देखो भाई, एक छोटी ही गुड़िया है जो बहुत अच्छी कविता सुनाई इन्होंने स्टेज के ऊपर। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।